हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। स्कूल में शिक्षक का जन्मदिन मनाने के दौरान बच्चे ने स्प्रे मारा, 22 बच्चे हुए बेहोश, सभी बच्चों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस जांच में जुटी। छतरपुर के सरकारी गर्ल्स स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ स्कूल की बच्चियां अनकॉन्शियस होने लगी, कुछ उल्टी करने लगी, एक के बाद एक कई लड़कियों को ये शिकायत होने लगी। स्कूल प्रशासन बच्चों को ऐसी हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, उन्हें सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उन बच्चियों का इलाज शुरू कर दिया। कुल 22 बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बनी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि 2 से 3 घंटों और डॉक्टरों के ऑब्जेक्शन में रखने के बात करें। वहीं सफदरजंग अस्पताल में बच्चों का बयान लेने मेहरौली थाने के SHO पहुंचे, एक एक कर सभी बच्चों का बयान लिया। वहीं बच्चों के माता पिता अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर परेशान नजर आए। साउथ जिले की DCP मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कूल में शिक्षक का जन्मदिन मनाने के लिए 6ठी और 7वीं क्लास की छात्रा इकट्ठी हुई थी, वहाँ ये हादसा हुआ। अब हादसा किस कारण हुआ उसकी अभी जांच चल रही है। वहीं बच्चों में से एक की बड़ी बहन और उसके गार्जियन ने मीडिया को बताया कि बुधवार की दोपहर के समय बच्चियां लैब में टीचर का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। केक काटने के दौरान एक बच्ची ने अपने बैग से स्प्रे निकाला, स्प्रे किया जैसे ही बच्चे ने, तभी सभी बच्चियों की तबीयत खराब होने लगी थी। सुने बाइट। पढ़ते हैं आप, क्या नाम है स्कूल का? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, क्या हुआ था उस समय दोपहर में आज? सर एक्चुअली मेरे को पता तो नहीं है, क्योंकि हमारा पीरियड लाइब्रेरी का था, तो हम ए ब्लॉक गए थे। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें देखा सी ब्लॉक में भीड़ लग रही थी। जब हम वहाँ उस साइड गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। हमने मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ एक्चुअली, हमने लगा कि लड़ाई बड़ाई होगी, तो हम जा रहे थे सीधे सीधे। पर वहाँ पर जैसे एक लड़की आई, मुझसे कहने लगी तेरी बहन रो रही है हमें, तो मैंने जाकर देखा वहाँ पर बेहोश होने जा रहे थे। कितने बच्चे यहाँ पे अभी अस्पताल में आए हैं जो? यहाँ पर आई थिंक 19-20 ऐसे। सभी बेहोश थे? नहीं सर, ठीक थे, बस बहुत ज़्यादा की हालत खराब थी। अच्छा, ये सारे बच्चे कहाँ पे थे उस समय? उस टाइम जब स्कूल में ही थे, बट जिसकी हालत ज़्यादा खराब हो रही थी ना, उन सबको ले लेके वहाँ करना। मेरे 2 बच्चे को। अच्छा, क्या पता चला आपको, क्या घटना हुई थी? मेरे को तो, मैं एक्चुअली में बच्चों की छुट्टी के टाइम पे मैं वहाँ पहुँचा था, और पहुँचने के बाद में जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तबाह की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है। मैंने कहा बेटे मैं यहीं बाहर ही स्कूल पे ही खड़ा हुआ हूँ, तो मैं जैसे ही एम्बुलेंस मेरे सामने ही एंटर कर रही थी स्कूल के अंदर। अच्छा। हाँ, और फिर मैं एम्बुलेंस के पीछे पीछे मैं भी यहाँ पे आया, पहले ट्रामा सेंटर। लेकिन हाँ, किसी क्लास टीचर का या किसी भी टीचर का, किसी पेरेंट्स के बाद में कोई फ़ोन नहीं पहुँचा कि ऐसे ऐसे कोई हादसा हो गया है और आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो सारे टीचर ही यहाँ पर लेके आ गए थे स्कूल के बच्चों को? टीचर लेकर आ गए थे, लेकिन पेरेंट्स को नहीं इन्फॉर्म किया गया था। पेरेंट्स को जैसे मेरे पड़ोसी ने फ़ोन करके बोला था, और फिर मैं जब आया था यहाँ।